हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको आपकी हिंदी क्लास में काल के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको काल के बारे में बताऊंगी कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने होने या ना होने के समय का बोध होता है, इस समय को ही व्याकरण में काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि क्रिया किस समय में हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काल। यानी कि क्रिया पास्ट में हो रही है यानी भूतकाल में, या प्रेजेंट में मतलब वर्तमान काल में, या फ्यूचर भविष्य काल में कब हो रही है हमारी क्रिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, काल। काल के तीन भेद होते हैं। नंबर वन भूतकाल, नंबर टू वर्तमान काल, नंबर थ्री भविष्य काल। भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी क्रिया है वो बीते हुए समय में हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। जैसे कल वर्षा हुई थी, कल यानी कि जो हमारा समय निकल चुका है, कल वर्षा हुई थी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, भूतकाल। क्योंकि कल वर्षा हुई अभी आने वाले कल में नहीं, ये जो निकल चुका है उस वाले कल में हुई है, ठीक है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं। नंबर वन सामान्य भूत, नंबर टू आसन्न भूत, नंबर थ्री अपूर्ण भूत, नंबर फोर पूर्ण भूत, नंबर फाइव संदिग्ध भूत, और नंबर सिक्स हेतु मद भूत। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, अभी हमारा प्रेजेंट जो चल रहा है वो क्या कहलाता है, वर्तमान काल, ठीक है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है अभी भी, इस समय भी वो खेल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्तमान काल, ठीक है। यानी कि वो क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, ओके। तो क्रिया हमारी अभी भी चल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। नंबर वन सामान्य वर्तमान, नंबर टू अपूर्ण वर्तमान, नंबर थ्री संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। अब भविष्यत काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वह भविष्यत्काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि जो हम कार्य करेंगे वो आने वाले समय में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, तो क्या कहलाता है, भविष्यत्काल। जैसे वह पिकनिक पर जाएगा, अब कब जाएगा, आने वाले कल में जाएगा या परसों में जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है ना अभी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, भविष्यत्काल। भविष्यत्काल के कितने भेद होते हैं, दो भेद। नंबर वन सामान्य भविष्य, नंबर टू संभाव्य भविष्य। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा अपनी क्लास में, आज हमने काल के बारे में सीखा, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, ओके। धन्यवाद।